हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू, जिसे हम गणेश चतुर्थी पर स्पेशली गणपति जी को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि लड्डू जो है वो गणपति जी के हमेशा ही फेवरेट रहे हैं। लड्डू जो है वो दो मेथड से बनाया जाता है। फर्स्ट मेथड जो सबको पता ही होता है कि बेसन को हमें घी में भूनना है और इस तरह से बेसन के लड्डू बनाने हैं, लेकिन उस मेथड में जो है हमारे हाथों की बहुत अच्छी खासी कसरत हो जाती है, बहुत मेहनत लगती है। तो आज मैं जो मेथड आपको शेयर करने जा रही हूँ, उसमें बहुत ही कम मेहनत में आप बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज जल्दी ही आती रहेंगी, और साथ ही में नीचे एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, उसे भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए आइए देखते हैं कि बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन। 2 कप बेसन में हम 1/3 कप सूजी का यूज़ करेंगे, और 1/4 कप हमने घी लिया है जिसे हम बेसन को गूंदने में यूज़ करेंगे, और बाकी का 1/2 लीटर घी जो है वो हम तलने के लिए यूज़ करेंगे। साथ ही में मैंने लिया है 1.5 कप बूरा चीनी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इक्वल अमाउंट में भी ले सकते हैं, लाइक 2 कप बेसन है तो 2 कप ही आप बूरा चीनी लीजिए। अगर आप तीखा तेज मीठा खाना चाहते हैं, और अगर आप मीडियम मीठा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप बूरा चीनी ले सकते हैं, या इस चीनी को तगार भी कहते हैं। ये मार्केट से मैंने जो बूरा चीनी मिलती है वही लाई है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो आप चीनी को घर पे पीस के भी बूरा चीनी बना सकते हैं, पर इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा अलग आता है। और साथ ही हमने लिया है कुछ इलायची, जिसे हम खुशबू के लिए इसके दाने निकाल के पीस लेंगे। और सजाने के लिए हमने लिए पिस्ता की कुछ कतरन। आप किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में ये बेसन ले लेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे सूजी, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बेसन में अगर गुठलियाँ हैं तो इसे भी ख़त्म कर लेंगे। और ये बेसन और सूजी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी, और घी डालने के बाद हम इस घी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन में। घी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए टाइट आटा गूंद कर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं ऐड करना है एक साथ ही, वरना बेसन जो है वो पतला हो जाएगा। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने आटे का बहुत ही टाइट डो है आप देखेंगे तैयार कर लिया है, और इतना आटा गूंदने में मुझे ये 1/2 कप जो मैंने लिया था पानी का, ये पूरा पानी इस्तेमाल हो गया है। थोड़ा बहुत पानी कम ज़्यादा यूज़ हो सकता है आपका, क्योंकि डिपेंड करेगा कि आपका बेसन कितना थिक है, मोटा बेसन है या बारीक बेसन है। मैंने जो लिया है वो मीडियम साइज़ का बेसन है, ज़्यादा मोटा भी नहीं था और ज़्यादा बारीक भी नहीं था, तो उससे मैं ही बना रही हूँ लड्डू। तो आप पानी थोड़ा सा कर लें, अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, और ये इतना थिक होगा कि ये टूटेगा नहीं, मतलब इससे बेसन जो है वो टूटना नहीं चाहिए। इस तरह की ये है, आप देख सकते हैं कि कितना थिक है। अब हम इसे ढककर 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हो गया है, और अब हम बेसन जो है अच्छे से फूल गया होगा, इसे चेक कर लेते हैं। बेसन हमारा बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है, और अब हमें क्या करना है, हाथों की हथेलियों पे हमें इस तरह से हल्का हल्का घी लगा लेना है, और इस तरह से हम एक बार आटे को बेसन को अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इस बेसन में से थोड़ा थोड़ा बेसन इस तरह से लेंगे, और इसकी एक पतली लोई बनाकर तैयार करेंगे, और इसे हम हाथों की हथेलियों में रखते हुए इस तरह से बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। और ज़्यादा मोटे हमें इसे नहीं बनाना है, वरना इसे तलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, इसे मीडियम साइज़ का करेंगे, और इस तरह से सेंटर से थोड़ा दबा देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएगा, और इसे हम प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के इस तरह से बनाकर भी हम जो मट्ठे हैं वो तैयार कर लेते हैं। ये हमने बेसन की 4 लोई जो है वो इस तरह बनाकर तैयार कर ली है, और इसे हम तलना शुरू करते हैं। साथ साथ में हम बाकी बेसन के भी इसी तरह से बनाते जाएंगे, वरना ये सूखने लग जाएंगे, तो एक बार में जितने पैन में आएंगे हम उतने ही एक बार में तलते हैं। ये हमने घी को मीडियम गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, धीमी आँच पर तलेंगे हम इसको, तो ये अंदर से अच्छे से पकेंगे। और इस तरह से मैं इसमें हम जितने एक बार में इसमें कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम इसमें मट्ठे जो है वो डालकर तैयार कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर गैस की फ्लेम तेज हुई तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, सिर्फ कलर में ही ब्राउन होंगे। और इसे हम लो फ्लेम पर ही सेकेंगे, और 10 से 12 मिनट में ये सिक कर तैयार हो जाएंगे।
और ये आप देखेंगे कि जो मुट्ठियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गए हैं। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के जो मुट्ठियाँ हैं वो भी तलकर तैयार कर लेंगे। और बीच बीच में से आप इसे हिलाते रहें, अदरवाइज ये एक साइड से पक जाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें। ये हमारे सारे मुट्ठिये जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हमने इसे सेक के तैयार कर लिया है। और अब हमें इसे ठंडा करना है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी ठंडा करने के लिए रख सकते हैं, या हम इसे इस तरह से तोड़ के भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है तो तोड़ के ही करना है। तो इस तरह से तोड़ने से ये थोड़ा जल्दी ठंडे हो जाएंगे। इस तरह से मैं बाकी के सारे मुट्ठिये भी जो हैं वो तोड़ कर ठंडे कर लूँगी। ये हमारे मुट्ठिये जो हैं वो ठंडे हो गए हैं बिल्कुल, और इसे हम मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और इसी के साथ ही जो इलायची थी वो भी मैंने छील के ले ली है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, तो इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट इसमें आ जाएगा। और इसे आपकी चॉइस है, अगर आप बहुत बारीक पीसना चाहें तो आप बारीक भी पीस सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे दरदरा पीस के आपको दिखाती हूँ कि कैसा इसे पीसना है। ये हमने बेसन के जो मट्ठे बनाए थे उसे हमने दरदरा पीस लिया है। और ये आप देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा दानेदार दरदरा पीसा है। अक्सर हम जब उस मेथड से बेसन के लड्डू बनाते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें मोटा बेसन नहीं मिलता है, और मोटे बेसन के बिना जो है वो दानेदार से लड्डू नहीं बनते हैं। तो इस तरह से हमें मोटे बेसन की भी ज़रूरत नहीं है और लड्डू जो है वो बहुत ही अच्छे दानेदार बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसे अब मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। ये हमने बेसन जो है इसे इस बाउल में ले लिया है, और इसमें हम बुरा चीनी मिलाएंगे। और एक बार में मैं पूरी चीनी नहीं मिला रही, थोड़ी थोड़ी करके मिलाऊंगी ताकि मिलाने में इसे आसानी रहे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने चीनी जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है, और क्योंकि ये मिक्सचर बहुत ड्राई है तो हम इसके अंदर थोड़ा घी डालेंगे। और जो घी हमने तले में यूज़ किया था मैं वही सेम घी यूज़ कर रही हूँ यहाँ। थोड़ा थोड़ा घी मिला के हम इसे मिक्स कर लेंगे, और इसे हम इतना थिक कर लेंगे कि जिससे हम इसके लड्डू बांध सकें। इतने बेसन में हमने लगभग एक कटोरी के करीब जो है एक बड़ी कटोरी घी का हमने यूज़ कर लिया है। और अब हम इस तरह से इसके लड्डू बांध कर तैयार करेंगे। और लड्डू बांधने में आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसे हल्का हल्का इस तरह से दबाते जाइए। और अगर इसमें इनफ घी है तो लड्डू देखिए अपने आप से इस तरह से जुड़ता जाएगा। और अगर आपको लगे कि घी कम है तो आप इसमें थोड़ा और घी डाल के तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल वैसे वाली ही ऑथेंटिक रेसिपी बना रही हूँ जो हमें प्रसाद में मिलती है, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से हम लड्डू को गोल कर लेंगे। और ये हमारा लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो गया है, और मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ का लड्डू बनाया है। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से बड़े साइज़ के लड्डू भी ले सकते हैं। और इसी तरह से मैं अपने बाकी की लड्डू भी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये मैंने सारे लड्डू जो है वो बांध कर तैयार कर लिए हैं, और इसे मैंने पिस्ता की कतरन से डेकोरेट कर लिया है। तो आप भी ये रेसिपी एंजॉय कीजिए और गणपति जी को खुश करिए इस लड्डू का भोग लगा के। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।